Anemia can be hereditary too. Welcome to Dental and Ayurveda, our channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. And our today's topic is hereditary spherocytosis, which is an anemia that can be hereditary. Before proceeding, I would like to thank you all for your support. And इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो फॉलो अस देयर। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, हेरिडिटरी मतलब जो जनरेशन में है, जो कि इनहेरिट हो सकता है पेरेंट्स से जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में। एंड स्फेरोसाइटोसिस मीन्स जो आरबीसी की शेप है वो स्फेरिकल हो जाएगी। तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, जो आरबीसी की शेप होती है वो स्फेयर हो जाती है। यूजुअली क्या होता है, आरबीसी की जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है, लाइक दिस। पर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में बाइकॉनकेव की बजाय आरबीसी की शेप स्फेरिकल हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए। अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन में कोई भी म्यूटेशन होगा इन प्रोटीन्स में, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ये स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से आरबीसी की जो बाइकॉनकेव शेप है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्फेरिकल शेप में। अब क्या होगा अगर आरबीसी की बाइकॉनकेव शेप जो है स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्चुअली आरबीसी की जो शेप है बाइकॉनकेव, वो इसलिए है ताकि आरबीसी स्प्लीन की जो कैपिलरीज है उसमें से आसानी से पास हो सके, ताकि वो स्प्लीन की कैपिलरीज में से बिना डिस्ट्रक्शन के पास हो सके। पर जब आरबीसी ऐसी स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से जैसे ही वो स्प्लीन की कैपिलरीज से पास होती है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। एंड इसी के कारण से हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ हीमोलिटिक अनीमिया। इसका मतलब हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का अगर ब्रीफ देखा जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ हीमोलिटिक अनीमिया व्हिच इज ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, जिसके कारण से वो स्प्लीन की कैपिलरीज में से आसानी से पास नहीं होती एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इस आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के कारण से अनीमिया हो जाता है। नाउ लेट्स सी फर्दर। तो बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स एनी अदर टॉपिक जैसे पैथोलॉजी या क्लिनिकल फीचर्स, एक ब्रीफ हम देख लेते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के बारे में। अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो इसमें कई सारे प्रोटीन्स दिखाए गए हैं, जैसे ये बैंड 3 प्रोटीन है, ये एनकायरिन प्रोटीन है, ये जीईसी प्रोटीन है, ऐसे कई सारे प्रोटीन्स। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर ऑल प्रोटीन्स। इनमें से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बीटा स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन प्रोटीन, बैंड 3 एंड GLUT1। एक्चुअली क्या होता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, मैंने बताया, जो कि इसकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड इसमें से भी कुछ पर्टिकुलरली मोर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनका नाम है एनकायरिन, बैंड 3 जो कि यहाँ मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, देन वी हैव GLUT1, GPA प्रोटीन। इन सब प्रोटीन के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करने की ज़रूरत है कि ये प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ताकि वो माइन्यूट कैपिलरी से पास हो सके। और अगर इन प्रोटीन्स में कोई भी चेंजेस हो जाते हैं तो आरबीसी की मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है। तो एग्जामिनेशन में अगर आता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, तो हमें लिखना है कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के फिजियोलॉजी में कि आरबीसी की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उसकी प्लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वी डू नॉट हैव टू राइट नेम्स ऑफ ऑल दी प्रोटीन्स बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट, अगर हम देखें इटियोलॉजी क्या होती है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की, मतलब क्या कॉज होता है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के होने का, तो एज आई टोल्ड यू, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का कॉज होता है प्रोटीन्स में जो है म्यूटेशन हो जाना। स्पेसिफिकली अगर ये तीन नाम आप याद रख सकते हैं, एनकायरिन, स्पेक्ट्रिन एंड बैंड 3 प्रोटीन, इन तीन में आरबीसी मेम्ब्रेन की प्रोटीन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो मेम्ब्रेन प्लायबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इसी के कारण आरबीसी जो है उसका लिसिस हो जाएगा। ये म्यूटेशन जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की म्यूटेशन होती है। इसका मतलब ये नॉर्मल ऑटोसोम्स में म्यूटेशन होगा, और डोमिनेंट इसका मतलब ये एक एक हीटरोजाइगस फॉर्म में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राइट? सो दिस वाज द इटियोलॉजी ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इन ब्रॉडर टर्म्स टू रिवाइज, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की इटियोलॉजी का कारण है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का म्यूटेशन, एंड ये म्यूटेशन ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है।
नेक्स्ट देखा जाए पैथोजेनेसिस ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, मतलब ये डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है और कैसे कैसे अनीमिया में रिजल्ट करता है और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो है रिजल्ट होते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का। तो सबसे पहले जैसे ही म्यूटेशन होता है वैसे ही आरबीसी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी होगी, एंड ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी के कारण जो मेम्ब्रेन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगी, मतलब जो मेम्ब्रेन पहले स्टेबलाइज थी, इनर्ट थी, आराम से सर्वाइव कर पा रही थी, वो अब डीस्टेबलाइज हो जाएगी, और डीस्टेबलाइजेशन के कारण वो मेम्ब्रेन अपने आप को पीसेज में ब्रेक डाउन करने लगेगी। जैसे अगर ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है तो इससे जो है आरबीसी की मेम्ब्रेन से पीसेज निकल निकल के ब्रेक डाउन होने लग जाएंगे, ऐसे डीस्टेबलाइजेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइजेशन की वजह से जो अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो डीस्टेबलाइज हो रहा है तो वो अपने आप को लीस्ट वॉल्यूम की तरफ ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि अगर वाटर के बबल का या सोप के बबल का एग्जाम्पल लिया जाए तो सोप बबल और किसी शेप में नहीं होता, स्फेयर की शेप में होता है, क्यों? क्योंकि वो लीस्ट वॉल्यूम ऑब्टेन करना चाहता है। वैसे ही हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में भी आरबीसी जो है लीस्ट वॉल्यूम की तरफ प्रोसीड करती है और सबसे कम वॉल्यूम बाई एरिया रेशियो होता है स्फेयर का, इसीलिए आरबीसी जो है स्फेरिकल शेप की हो जाती है, एंड दिस इज द रीजन वाई कि इस डिजीज को स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं, बिकॉज आरबीसी अज्यूम्स स्फेरिकल शेप। उसके बाद देखा जाए बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन किया जाए तो देखिए पहले आरबीसी ऐसे बाइकॉनकेव शेप की थी, बीच में एक डिप्रेशन था, एंड वो जो है आरबीसी मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से स्टिक हो जाती थी एंड फ्लैटर थी, कैपिलरी से आराम से पास हो जाती थी। लेकिन वही आरबीसी अब हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के बाद स्फेरिकल शेप में हो गई और कैपिलरीज के आराम से स्टिक हो सकती है। तो ये है मॉर्फोलॉजी में चेंज बिफोर और आफ्टर का, पहले बाइकॉनकेव थी बाद में स्फेरिकल हो गई। उसके बाद देखें तो स्फेरिकल आरबीसीज जो है मैंने बताया कि उनकी मेम्ब्रेन लेस फ्लाइएबल है, स्फेरिकल आरबीसीज जो है वो स्प्लीन की कैपिलरीज में से आसानी से पास नहीं हो सकती है। तो अब जब ये लेस डिफॉर्मिटी के कारण स्प्लीन की कैपिलरीज में से पास होने की कोशिश करेगी तो पास होने की बजाय वो स्प्लीन की कैपिलरीज में ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होने के बाद हमें पता है स्प्लीन जो है एक बहुत ही रिच ऑर्गन है इन व्हेन कंसिडर्ड अबाउट मैक्रोफेजेस। तो इस स्प्लीन में जो मैक्रोफेजेस होंगे, मैक्रोफेजेस आर दोज ऑर्गेनलीज या मैक्रोफेजेस वो सेल होते हैं जो कि दूसरे सेल्स को खाते हैं, जो हार्मफुल सेल्स हैं या एक्स्ट्रा सेल्स हैं उन्हें, फेगोसेटिक सेल्स होते हैं। तो मैक्रोफेजेस इन आरबीसीज को, इन स्फेरिकल आरबीसीज को जो ट्रैप हो गई है स्प्लीन में, उनको इंजेस्ट कर लेंगे और इंजेस्ट करने के बाद जो पोटेशियम और वाटर होता है आरबीसी में, जो कि आरबीसी के सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल होता है, उसका इफ्लक्स होने लगेगा, मतलब आरबीसी से बाहर निकलने लग जाएगा पोटेशियम और वाटर। इसके कारण आरबीसी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन। ऑल्सो पोटेशियम बाहर निकलने लग जाएगा तो आरबीसी का जो पीएच है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एंड ऑल दीज कंडीशंस वुड रिजल्ट इनटू द अल्टीमेट फेट, दैट इज अनीमिया। अनीमिया बिकॉज आरबीसी का फेगोसाइटोसिस हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हम दो चीजें इंपॉर्टेंटली देखते हैं, एक तो ब्लड स्मेयर है और एक बोन मैरो के फीचर्स। मॉर्फोलॉजी मतलब वो जो हमें दिखाई देगा। तो ब्लड स्फेयर देखेंगे तो ब्लड स्फेयर में हमें क्या दिखाएगा, सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी स्फेरिकल शेप की होगी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इस डिजीज का, एंड रेटिक्यूलोसाइटोसिस। क्योंकि आरबीसी का अमाउंट कम हो रहा है तो हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करना चाहेगी, और हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए आरबीसी के प्रोडक्शन को, मतलब इरिथ्रोपोइसिस को जो है बढ़ाना चाहिए, और इरिथ्रोपोइसिस अचानक से तो बढ़ेगा नहीं इतना ज्यादा, तो धीरे धीरे बढ़ने के लिए रेटिक्यूलोसाइट जो कि आरबीसी की एक प्रिमिटिव स्टेज होती है वो बढ़ेगी, इसीलिए रेटिक्यूलोसाइटोसिस भी इंक्रीज होगा। अगर बोन मैरो के फीचर्स देखें तो इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया होगा। इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया मतलब बोन मैरो में वो सेल्स जो कि आरबीसी फॉर्म करते हैं उनका इंक्रीज्ड नंबर होगा। इरिथ्रॉइड मींस आरबीसी, हाइपरप्लेसिया मींस इंक्रीज्ड नंबर। तो बोन मैरो में आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स का इंक्रीज्ड नंबर दिखेगा। देन जॉन्डिस, ऑफ कोर्स बात है अगर आरबीसी ब्रेक डाउन हो रही है तो उससे हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा तो जॉन्डिस होगा। देन वी हैव स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में हो रहा है इसलिए स्प्लीनोमेगैली, एंड लास्टली कोलेलिथियासिस, क्योंकि बिलीरुबिन का एक्सेस डिपोजिशन हो जाएगा गॉल ब्लैडर में। कोलेलिथियासिस मींस
गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन एंड स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर। ये सब फीचर्स अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे हीमोलिटिक अनीमिया की, जिसमें जनरल चीज़ें बताई गई है कि कैसे ये पॉइंट्स याद करने हैं, तो आप उससे भी काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहीं से हैं। एक कॉमन है एक्सटर्नल और इंटरनल हीमोलिसिस के लिए। तो हेरिडिटरी सेरोसाइटोसिस में एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस होता है, इसीलिए ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलिसिस मतलब स्प्लीन में हीमोलिसिस होता है। देन वी हैव कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के, मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर एग्जामिन करेगा आपको, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे जिसके कारण हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस कन्फर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड फाइंडिंग को हम हिमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी बोलते हैं। देखिए अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पॉइंट्स में लिखनी होती है, और पॉइंट्स भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि पहले बोन मैरो के पॉइंट्स लिख दिए फिर आप ब्लड के पॉइंट्स लिख रहे हैं। सिंस ये ब्लड का डिजीज है इसीलिए सबसे पहले ब्लड के पॉइंट्स लिखेंगे और फिर बोन मैरो के पॉइंट्स पे आएंगे, बोन मैरो के बाद अदर ऑर्गन्स के पॉइंट्स पे आएंगे। तो हिमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आरबीसीज जो है स्फेरिकल शेप होंगी वो तो ठीक है, लेकिन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का कन्फर्मेटरी जो टेस्ट होता है वो होता है ऑस्मोटिक लिसिस। अगर हम आरबीसी को जो है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, हाइपोटोनिक मतलब जिसमें वाटर जो है ज्यादा है, आरबीसी है और बाहर वाटर ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, एंडोऑस्मोसिस करेगा। एंडोऑस्मोसिस करने के कारण आरबीसी ऑलरेडी स्फेरिकल शेप में है, मतलब उसके पास वाटर एक्यूमुलेट करने की जगह है नहीं, तो वो क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी। ये बर्स्ट करना दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक लिसिस, एंड ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का। इसके बाद MCHC इंक्रीज होगा। MCHC क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है ये, हीमोग्लोबिन परसेंटेज अपॉन पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब आरबीसी का वॉल्यूम। तो हमने देखा आरबीसी जो है लीस्ट वॉल्यूम स्टेज जो है अकर कर चुकी है, अटेन कर चुकी है स्फेयर, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब इनवर्स रिलेशन दिख रही है, MCHC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पैक्ड सेल वॉल्यूम, मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो पैक्ड सेल वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो MCHC बढ़ेगा। तो ये भी एक फीचर है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस का कि MCHC बढ़ रहा है क्योंकि पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव बोन मैरो फाइंडिंग्स, मतलब बोन मैरो में अगर हम टेस्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। बोन मैरो फाइंडिंग्स में जैसे कि इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया मैंने बताया, नंबर ऑफ आरबीसी प्रोड्यूसिंग सेल्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स बोन मैरो जो है क्राउडेड दिखेगी। देन वी हैव यूजुअली हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस जो है वो दिखाई नहीं देती है इंसानों में, बिकॉज बहुत ही माइल्ड सा डिजीज है, अपने आप होके अपने आप क्योर हो जाता है। पर अक्सर जो है ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एक्सेंट्रुएट हो जाती है, बढ़ जाती है अगर इन दोनों में से कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब एप्लास्टिक क्राइसिस, कुछ ऐसे इन्फेक्शन जैसे कि पैरोवायरस का इन्फेक्शन जो कि इरिथ्रोपोइसिस को डिक्रीज कर दे, एबनॉर्मली आरबीसी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दे। तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हो ही रहा था स्प्लीन में बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, अगर पैरोवायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी बनने की रेट भी कम हो जाएगी। तो देखिए आरबीसी बनने की रेट कम हो रही है और आरबीसी डिस्ट्रक्शन की रेट जो है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो इस केस में जो है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस सीवियर हो जाता है, या फिर हीमोलिटिक क्राइसिस। हीमोलिटिक क्राइसिस मतलब आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले डिजीजेस या इन्फेक्शंस, जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये इन्फेक्शन से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में देखे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और कुछ टॉपिक्स जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।